वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर्स लेटर्स फिगर्स फ्रॉम द गिवन रिस्पांस। तो दिए गए ऑब्जेक्टिव में से आपको मिसिंग नंबर्स लेटर्स और फिगर्स बेस वाले क्वेश्चन लगाने हैं। तो यहाँ पे कोड दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जेड सी बी ए और वाई एफ ई डी एक्स आई एच जी। आगे का क्या आएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम इसके इन तीनों के सीक्वेंस को समझ जाते हैं, अगर इन तीनों सीक्वेंस के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आगे का क्रम हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये है कि देखिए जेड दिया है, वाई दिया है, एक्स दिया है इसमें। तो आप इधर देखिए एक्स वाई जेड ये क्रम चल रहा है और ए बी सी ये क्रम ऐसे चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर ए बी सी चल रहा है तो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी। तो यहाँ पे देखो डी दिया हुआ, डी के बाद ई है फिर एफ है। उसी तरीके से ये देखिए एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई। अब आपको ये समझ में आ गया किस सीक्वेंस में ये चल रहा है। तो अब देखिए एक्स से पहले कौन सा लेटर आता है, पहले तो देखिए एक्स वाई जेड है, तो डब्ल्यू तो आपका एक्स से पहले डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पे मान के चलिए डब्ल्यू, ये आपका W हो गया, W आएगा। और फिर देखिए यहाँ पे W आ गया, अब G H I है तो यहाँ पे देखिए D E F है, तो ये वही उसी के आगे का लेटर्स लिखना है, G H I है। तो I के बाद क्या आता है, J K L। इस तरह से आपका ये नया कोड बन गया। अब देखिए W L K Z कहाँ है, देखिए इनमें से चारों ऑप्शन में से W ये है, L ये है और K और ये J, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही है, डब्ल्यू एल के और ये जे आ जाएगा। तो ये मिसिंग जो में ये मिसिंग में जो नंबर ब्लैंक होगा ये वाला कोड आएगा इसमें, स्पेलिंग कोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 2 3 फिर 14 आ गया, 5 34 7 फिर आगे के दो मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं। अब इनको कैसे निकालना है, इनके ऑप्शन में दिया 68.7 63.9 60.11 और 62.9। अब इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो कैसे समझेंगे, यहाँ पे पहले ऊपर वाला हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए समझना ये है कि अगर हम इनको 7 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिए क्रम इसको समझना है ये कैसे आया, जब भी एक सीक्वेंस में चला फिर उसके बाद बड़ी संख्या आ जाए तो आप इसको समझिए, एक दूसरे को अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि किस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखने के से ये पता चला है 7 5 जा होता है 35, तो 35 में 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 34। तो देखिए ये 34 आ गया, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे 5 ये दिया हुआ है, ये सिक्वेंस देखिए 5 7 जा होता है, यहाँ पे देखिए 5 और 3 है तो ये 15 हो जाएगा। अब अपने मन से -1, आपको जैसे इसमें -1 किया है वैसे इसमें भी आएगा, तो 15 में -1 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये सीक्वेंस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे पीछे से वही देखिए 3 1 जा 3, तो जब 3 आएगा 3 में 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉजिक चल रहा है, तो वही चीज़ पीछे का भी लॉजिक इसका वैसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसका क्रम अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। एक ये भी सीक्वेंस देखिए, ये ऑड नंबर का क्रम चल रहा है, 1 3 5 7, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 के बाद 9 आना चाहिए, तो 9 तो आ गया। 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा होता है 63, 63 में -1 करेंगे 62 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका वैल्यू जो आएगी 62 आ जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन में 62.9 है, तो यही वाला आपका ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से सवाल को पैटर्न को समझना होता है तभी आप ये लगा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यहाँ पे 25 है फिर डैश के डैश 8 फिर 23 आई फिर 11 है, 21 और जी और 14 है, 19 और ई और 17। आगे का क्या आएगा ये हमें नहीं पता। अब इसके सीक्वेंस को समझते, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसको समझना ये देखिए, तो आपका इसके साथ रिलेट कर रहा है ये, 25 के बाद देखिए 23 आया, 23 के बाद देखिए 21 आया, 21 के बाद 19 आया। अभी इनका आपस में क्या रिलेट कर रहा है ये आपको समझना है,
25 में मतलब कि 25 और 23 के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है, तभी 23 आया है, और 23 में फिर 2 का गैप कर देते तो 21 आ जाएगा पीछे, और फिर उसी तरह 21 में 2 मतलब 2 नंबर्स पीछे चले जाएंगे तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो 11 आया, 11 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में प्लस 3 जोड़ेंगे 17 आया। तो ये चीज़ आपका ये क्रम चल रहा है ऐसे, ये इसका ऐसे क्रम चल रहा है, और इस वाले का क्रम ऐसे हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसके बीच का जो क्रम चल रहा है इसमें माइनस टू किया जा रहा है, इसमें जो हो रहा है माइनस टू हो रहा है, और ये जो बीच ये वाला जो है इसमें प्लस थ्री हो रहा है, इसमें प्लस थ्री हो रहा है, इसमें भी आपका प्लस थ्री चल रहा है, इसमें भी आपका प्लस थ्री हो रहा है। तो ये चल रहा है क्रम माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री, यानी कि पहले वाले का दूसरे वाले के पहले वाले नंबर से माइनस टू का डिफरेंस हो रहा है, और दूसरे वाले नंबर्स का और दूसरे वाले टर्म्स के दूसरे वाले नंबर से आपका प्लस थ्री का ये सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ई के बाद क्या आना चाहिए था, एफ, एफ के बाद आता है जी, ये क्रम देखो किस तरीके से चल रहा है, स्पेलिंग कोड भी देखना है। देखिए ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, एक स्पेलिंग छोड़कर हो रहा है, अल्टरनेट स्पेलिंग हो रहा है, यानी कि मिसिंग हो रहा है, एक लेटर मिसिंग करने के बाद आ रहा है। जी के बाद आता है एच, एच नहीं आया तो आई आया, आई के बाद जे आना चाहिए तो जे नहीं आया तो के आया, इसका मतलब क्या हो, उसके एक नंबर्स की लेटर्स की स्पेलिंग मिसिंग करके आगे का लेटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे का क्रम क्या बनेगा, ये 19 है, अब इसमें मान लीजिए माइनस टू करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस टू 19 में माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, अब 17 आ गया, अब 17 में देखिए ये वाला जो नंबर्स है ये 19 माइनस टू आया, अब यहाँ पे 17 है, 17 में हम कितना जोड़ दें प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 17 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 17 और 20 का हिसाब, क्योंकि इसमें प्लस 3 ये आपका हो जाएगा, इसमें इसमें माइनस 2 किया गया है और इसमें प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपका 17 से 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई से पहले आपका यहाँ पे जी, ई के बाद जी गज आया, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, उसी तरीके से जैसे ई ई देखिए ए बी सी डी ई दिया है, देखिए ई तो आपका दिया हुआ है, तो ई से पहले की स्पेलिंग छोड़ना है, ये वाली स्पेलिंग मिस करके ये वाली स्पेलिंग ना, यानी कि यहाँ पे इसके बीच में सी आएगा, देखिए सी के बाद डी आता है लेकिन डी नहीं लेना है, ई आएगा, ई के बाद एफ आता है, एफ नहीं लिया गया, जी आया, जी के बाद एच आता है, एच नहीं लिया, आई आया, आई के बाद जे आता है, जे नहीं लिया, के आया। तो इस तरीके से नया कोड ये बना 17 सी और 20 का, तो 17 और सी और 20 ये वाला सी ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कोड वाले स्पेलिंग है, अब इस तरह से कुछ फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फिगर दिया होता है, चार फिगर दिए, तीन फिगर दिए होंगे, चौथा फिगर आपको देखना होता है, तो तीन फिगर के पैटर्न को समझना होता है, उसके बाद चौथा फिगर आपका कुछ समझ आ जाएगा कैसे है। चार ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपको समझना ये है कि ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, फिर वर्टिकल फॉर्म में, फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, लेकिन इसमें एक चीज और हो रहा है, यहाँ पे ये एक लाइन इसमें मिसिंग है, तो ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको घुमा दिया, इसको हॉरिजॉन्टल था लेकिन इसको वर्टिकल फॉर्म में करके इसके इसके पोर्शन को कंप्लीट कर दिया गया, अब इसके बाद यहाँ पे इसको पलट के फिर हॉरिजॉन्टल कर दिया, बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन आउट कर दिया, यानी कि जय बार उसको हम टर्निंग करेंगे तो वैसे ही हम उसमें एक एक लाइन बढ़ाते जाएंगे, तो अब अगली लाइन जो होगी अभी हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल आना चाहिए, तो वर्टिकल के लिए यहाँ पे बीच में कितनी लाइन है, एक लाइन है, तो होनी कितनी चाहिए, दो लाइन, तो इसमें वर्टिकल में कौन सा होगा, देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दिया है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल में दिया है,
अब ऑप्शन में ए और बी में से हो सकता है, ए और बी में से कैसे हो सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी लाइंस कट की हुई है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक के बाद दूसरी लाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिक्वेंस में क्या बना, अगला सिक्वेंस ये बनेगा फिगर में, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे होगा इस तरीके से, ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल आ जाएगा। तो इसका अगला जो रूप होगा वो ये वाला होगा। ये फिगर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस तरह से रीजनिंग पैटर्न वाले जो सवाल होते हैं उनके पैटर्न को पहले समझना होता है, पीछे के क्रम को, और बड़ी आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।